हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज आईपी। दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों, यहां पर एक अपडेट निकल के आया है जो कि सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सभी स्टूडेंट जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था, वो बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इसकी पहले ही घोषित की गई थी, जो कि 5 जुलाई थी। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है जो कि सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें भी आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। उसके होम पेज पर ही यहाँ पर एक अपडेट निकल के आया है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर आपका गूगल क्रोम या आपका डेस्कटॉप जो है, आपके पास लैपटॉप है, उसमें आपको आपका ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसका होम पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और फर्स्ट नंबर पर ही आपको सी टेट जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला था उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ उसको ओपन कर लेना है और उसमें उसकी पूरी डिटेल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आई है कि CBSE बोर्ड पोस्टपोन्ड सी टेट जुलाई एग्जामिनेशन बाय HRD मिनिस्टर ट्वीट। फ्रेंड्स, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो फ्रेंड्स, हम ये ट्वीट भी चेक कर लेते हैं, तो इससे ये रिलेटेड जानकारी तो आपको इसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ट्वीट दिया है, तो इसको हम अपने ट्विटर अकाउंट पर जाके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्विटर अकाउंट। फ्रेंड्स, ये है हमारे HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, और इन्होंने ट्वीट किया है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने ट्वीट किया है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और फ्रेंड्स, स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गई है इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन कि आपका जो सीटेट एग्जामिनेशन है 5 जुलाई में जो कंडक्ट होने वाला था, वो अब पोस्टपोन्ड हो गया है। और इसकी नेक्स्ट डेट क्या है, ये आपको अभी जब परिस्थिति नॉर्मल हो जाएंगी COVID-19 की, तो फिर वो डेट आएगी। तो फ्रेंड्स, इसको कन्फर्म करने के लिए इसमें यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है। और फ्रेंड्स, अब फाइनल एक जगह और हम देख लेते हैं जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये कैंसिल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको आपका सर्च इंजन या आपका वेब ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है, और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है CTET.NIC.IN और उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, और इसमें जो 4 नंबर का जो पॉइंट है, पब्लिक नोटिस फॉर पोस्टपोनमेंट फॉर सीटेट एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, और वो PDF फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, और उसमें एक ऑफिशियल नोटिस जो सीटेट जो CBSE बोर्ड द्वारा दिया गया है उसको आपको पढ़ लेना है। और फ्रेंड्स, ये लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये नोटिस दिया गया है, पब्लिक नोटिस, तो इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। हैज़ नोटिसफाइड अर्लियर द 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट July 2020 टू बी हेल्ड ऑन 5 July 2020 इज पोस्टपोन्ड डेट। फ्रेंड्स, इस पर आप अंडरलाइन कर लें कि आप पोस्टपोन्ड हो गया है, कैंसिल हो गया है। आपके लिए खुशखबरी की बात है, अगर अभी तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी तो आप तैयारी कर लें मन लगा कर, और ये कभी भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने मिले हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि अगस्त तक तो ये नहीं होने वाला है, अगस्त के लास्ट में इसके कोई भी डेट आएगी। फ्रेंड्स, आपके पास 1 महीना से 1.5 महीने 2 महीने जो भी आपको और मिल चुके हैं, उस पर आप और अच्छे से तैयारी कर लें। और आगे लिखा है, द नेक्स्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इनिटेटेड व्हेन सिचुएशन इज मोर कंडक्टिव फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर सीटेट एग्जामिनेशन 2020 आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट फॉर एनी अपडेट दे मे विजिट सीटेट वेबसाइट CTET.NIC.IN रेगुलरली। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप सभी को इस सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर समय समय पर उसको आप चेक करते रहें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन अब आएगी तो उसी पर आएगी और वही रियल होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सीटेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ वाली इंफॉर्मेशन जो सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने ये फॉर्म भरा है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज आईपी पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सीटेट से रिलेटेड और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।